हेलो एवरीवन, मैं बबीता अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी सबको तो आप लोग अपने तरीके से बनाए होंगे, इस बार मेरे तरीके से बनाना देख लो और ट्राई करना बना के। तो इसमें मैं जीरा प्याज का कोई मसाला नहीं दूंगी, मैं इसको बनाऊंगी तोरी के मसाले से। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है तोरी, काली वाली जो राई होती है उसको, और जीरा है, धनिया है, और मिर्च है, हरी मिर्च और मिर्ची है, टमाटर है। तो फ्रेंड्स, पहले जो भी सूखे मसाले हैं ना, जैसे जीरा, धनिया और सरसों है जो काली राई, उसको हम लोग मिक्सर में सूखा सूखा पीस लेंगे। उसके बाद से लहसुन और टमाटर मिर्ची रख के पीस के पीसेंगे, नहीं तो फिर जो है ना मसाले अच्छे से नहीं पीसती है, क्योंकि सरसों का मसाला ना मिक्सर में बढ़िया से नहीं पिसाता है इस वजह से। और गोभी को मैंने ना थोड़ा सा भाप लिया था गर्म पानी में, क्योंकि ना अभी अन सीजन का गोभी है तो कीड़े वेड़े के ऐसी डर रहती है, ऐसे ही गोभी में कीड़े निकलते हैं। उसके बाद मैंने तेल को कर लिया है गर्म, उसमें दे दिया थोड़ा सा मेथी के दाने और सरसों के मसाले को ना मेथी के दाने से छोंकने से टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और उसमें मैं दे रही हूँ आलू, क्योंकि आजकल के आलू उतनी जल्दी पकते नहीं है और साथ में रहती है इतनी मीठी मीठी, तो कोई स्वाद नहीं लगता, एकदम बेस्वाद आलू रहता है। तो फिर मैं आलू को थोड़ा सा मैं भून ले रही हूँ, और उसके बाद मैंने जो गोभी काट के रखा है हल्का इसको स्टीम कर लिया है पानी में, मतलब मैं गर्म पानी नहीं दी हूँ, गोभी को अच्छे से गर्म पानी में बॉयल ही कर ली हूँ, ताकि अच्छे से इसमें जो भी कीटाणु हो ना, जैसे वायरस होता है, वो निकल जाए। और इसको हम लोग धीमी आँच में भूनेंगे। आप चाहे तो नमक भी दे सकते हो, पर नमक देने से क्या होता है कि गोभियाँ लाल भी हो जाती है, और उसके बाद ना पानी इतना छोड़ती है तो ना फिर टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं कभी पानी नहीं, नमक नहीं देती हूँ। मैं पहले इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन भून लूँगी, उसके बाद इसमें नमक दूँगी तब मसाले। तो चलो, आलू और गोभी को मैं अच्छे से भून ले रही हूँ, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो गोभी है बढ़िया से भून चुका है। और अभी मैं अगर इसमें नमक देती तो देती पानी निकल जाता और गोभी है कि टूट भी जाती है, लाल तो होती नहीं है। तो अब जाके मैं इसमें नमक दे रही हूँ और थोड़ा सा और भून लूँगी, और उसके बाद फिर सारे मसाले देंगे हम लोग। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना, कम ज़्यादा कैसा खाते हो, तेज़ खाते हो तो हम लोग थोड़ा सा ठीक ही नमक खाते हो, उतना कम भी नहीं खाते, ज़्यादा तेज़ भी नहीं खाते हैं, मीडियम से खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, जो भी मैंने पीस के रखा था, काली राई, सरसों जो होते हैं, और मिर्च, लहसुन, टमाटर, धनिया, जीरा, जो भी पीस के रखा था वो मसाले दे दूँगी। मैं इसमें दे दूँगी हल्दी, और इसमें मैं ना मिर्च का पाउडर नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत सारी मिर्ची मैंने पहले ही पीस के रखा है, और बच्चे खाएंगे तो हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और सब्ज़ी की कलर ना बहुत ही बढ़िया आई है, एकदम रेड रेड सी आई है, पता नहीं कैमरे में ऐसा क्यों दिख रहा है, फ़ोन फोकस ही नहीं ले रहा, लेकिन सच्ची सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया था, रेड रेड आया था, क्योंकि टमाटर मैंने एकदम रेड कलर का पीसा था, मिर्ची भी तो आप लोग देखे ही हैं रेड थी। तो इसको ढक के मैंने 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, और सरसों के मसाले को ना ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कड़वी हो जाती है। और एक बार प्लीज़ आप ये ट्राई करके देखना, आप लोग जीरा प्याज वाले तो हरदम खाए होंगे, तो एक बार इस वाले मसाले से आप लोग गोभी की सब्ज़ी बना के खा के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। और ठंड के मौसम में तो आप इसमें धनिया पत्ता भी दे सकते हो, मटर भी दे सकते हो, तो और 2 गुना स्वाद बढ़ जाता है। वैसे धनिया पत्ता मेरे पास भी आता है, पर अभी मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं पानी रख के इसको ढक दी हूँ और 2-3 मिनट अच्छे से पका लूँगी। और मेरी आलू और गोभी जो है पहले से पक ही चुकी थी, इतना से मैंने भूना था ना, इस वजह से। सब फ्रेंड्स देखिए, हमारा सब्जी बन के हो गया है रेडी। और आपके पास अभी धनिया पत्ता रहता तो वो डाल देते, पर मेरा अभी है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ धनिया पत्ता भी उतना मिल भी नहीं रहा है, और मिल रहा है तो फटाक से ख़राब भी हो जा रहा है। तो हमारा सब्जी हो गया है रेडी, आइए आप लोग भी खा लीजिए, और ये रेसिपी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है, सब्ज़ी की कलर बहुत बढ़िया आई है। पता नहीं फ़ोन क्यों फोकस नहीं ले रहा है, नहीं तो सब्ज़ी एकदम रेड रेड बन के आई है। और आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी। फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।